हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरन गोस्वामी। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। चाहे वो आपका इतिहास हो एंड चाहे वो आपका भूगोल हो, यहाँ आप लोग देख सकते हो भूगोल का भी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखने वाले हैं। फिर आपका ये देखो महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इन सब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन विथ ऑप्शन के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, पहले आप लोग गेस कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, फिर जो मैं बताऊंगा उससे मिला लेना। और आपके पास जितने भी ये क्वेश्चन है उसमें देखना आप कितने मार्क कर पाते हो, ठीक है। जैसे आपका 100 क्वेश्चन है, 100 में आप देखिए कितने मार्क कर पाते हो, ठीक है। तो चलो इतिहास, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इतिहास, ठीक है। इतिहास का जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो इतिहास का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यंग इटली सोसाइटी का स्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी था उसका स्थापक कौन था? नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है गैरिवाल्डी, खा ऑप्शन है बिस्मार्क, गा ऑप्शन है कावूर एंड घा ऑप्शन है मेजनी। तो अब आपको जो सही आंसर है वो आपको गेस करना है, ठीक है। अब आप लोग पहले देख लो आपने सही गेस किया है या नहीं, ठीक है। मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, ये चार ऑप्शन ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप प्रश्न लिखना, फिर इसका सही उत्तर लिख देना जो मैं बता रहा हूं, घा मेजनी करेक्ट आंसर है। तो आप यही क्वेश्चन का आंसर लिख देना और चारों ऑप्शन नहीं उतारना है, केवल एक ऑप्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर टू है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? देखो नेपोलियन जो थे ना, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? मैं आपके पास चार ऑप्शन है, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। का जर्मनी, खा फ्रांस, गा इटली, घा इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा सही आंसर है। पहले आप लोग सोच लो कि कौन सा सही आंसर हो सकता है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो संबंध था ना, नेपोलियन का संबंध जो था ना, फ्रांस से था, ठीक है। किससे था? फ्रांस से। अगर कुछ बुक पढ़े होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो आप जानते होंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को इसे याद भी करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। भारत के लिए जो डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चंस का जो है ना, यहाँ ऑप्शन है का लॉर्ड लिटन द्वारा, या फिर खा लॉर्ड कार्जन द्वारा, या फिर आपका गा है, ये ऑप्शन गा है, ठीक है, याद रखना, लॉर्ड इरविन द्वारा या घा लॉर्ड रिपन द्वारा। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको उसका सही आंसर याद रखना है, जो मैं बता देता हूं उसे याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ गा, लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है, सही आंसर है लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। समझ में आया तीन के तीनों क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, देखो लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था, उसका मेन रीजन क्या था कि असहयोग आंदोलन हुआ? आपके पास ऑप्शन है रॉकेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। अब आपको ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है असहयोग आंदोलन का जो मेन रीजन था वो था खिलाफत आंदोलन, ठीक है, समझ में आया। तो खिलाफत आंदोलन, छोटा सा ट्रिक है, असहयोग आंदोलन लगा हुआ है तो अगर ये चार ऑप्शन आए तो इसमें भी आंदोलन लगा हुआ है, खिलाफत आंदोलन, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। जैसे असहयोग आंदोलन है तो उसका जो मुख्य कारण था वो खिलाफत आंदोलन, अगर ये चार ऑप्शन आएंगे तो आप इसे लगा सकते हो जिसमें आंदोलन लिखा है, ठीक है, ये याद रखना छोटा सा। देखो प्रश्न नंबर फाइव है, करो या मरो का नारा किसने दिया, किसका था? करो या मरो का नारा किसका था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो करो या मरो का नारा मतलब करो या मरो,
अगर आप मतलब करना है तो कुछ करो या फिर कुछ नहीं करना है तो मरो, ठीक है। ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। खा आपका ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, गा है भगत सिंह या घा है महात्मा गांधी। काफी फेमस आपका ये मतलब नारा है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखो ये आपका जो है ना, ये है महात्मा गांधी जी ने इससे दिया था, करो या मरो, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। पांच क्वेश्चन है आपका, पांच क्वेश्चन मैंने बताया इतिहास का, और भी आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर सिक्स है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? का है वाशिंगटन, खा है न्यूयॉर्क, गा है जिनेवा, घा है ऑस्ट्रिया। तो अब आपको इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो बताना है, तो याद रखना स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र का जो संघ का मुख्यालय है ना, वो स्थित है जिनेवा में, सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपका गलत है, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखना, न्यूयॉर्क में ये स्थित है, ठीक है, न्यूयॉर्क याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर सेवन, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में, या 1929 या 1934 में? अब आपको सही आंसर मैं बता देता हूं, महामंडी का जो प्रारंभ हुआ ना, वो 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जरूर याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आपका इतिहास का, ठीक है। देखो, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? तो ये आपका है, इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में, खा पंजाब में, गा उत्तर प्रदेश में, घा है उड़ीसा में, ठीक है। तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो भूगोल का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, भूगोल में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मिट्टी को मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मानचित्र में भी दर्शाना सिखाया था, तो आपको याद भी रखना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो अब पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, पीली या सीमेंट? देखो भैया, आपको याद रखना है, काली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेकिन नॉट सीमेंट। सीमेंट कोई मिट्टी नहीं होती है, तो सीमेंट आपका रॉन्ग आंसर होगा, मतलब सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो सीमेंट नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको सीमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर टू है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, पर्वत जो है ना, पर्वत जैसे पर्वत में भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है, तो उस पर कैसे होता है मृदा अपरदन? पवन द्वारा, जल द्वारा, हिमनद द्वारा, पशु चारण द्वारा? तो पशु चारण द्वारा नहीं हो सकता, जल भी पर्वत पर बहुत ऊंचा होता है तो उतना हो नहीं सकता। जो हिमनद है ना, हिमनद द्वारा पर्वतों पर जो है ना इसका मृदा अपरदन होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहां देखो प्रश्न नंबर तीन है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना किस वर्ष आरंभ किया गया? तो देखो स्टूडेंट, यहां का है 1973 में, खा है 1980 में, गा है 1975 में, घा है 1989 में, ठीक है। तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 1973 में, करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1973 में, ठीक है, याद रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आप लोगों को आसानी से याद हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर फोर, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क है, कि ये राष्ट्रीय पार्क है सुंदर वन, तो वो किस स्टेट में स्थित है? का असम, खा उड़ीसा, गा मध्य प्रदेश, घा पश्चिम बंगाल। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आप लोग गेस कर लो, फिर मैं बताता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो किसी में पढ़ाया जरूर है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर फोर का जो सही आंसर होगा ना, वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है ना राष्ट्रीय पार्क, जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ठीक है, मानचित्र में भी पूछा जा सकता है, तो डोंट वरी, आपको याद करने हैं तो करने हैं,
अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, कुछ करके दिखाना है, तो इन सबको याद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम का नजदीक है तो आपको अभी से याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो विश्व वृष्टि मात्रा का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8%, 10%। तो कितना प्राप्त करता है? आपके पास चार ऑप्शन है, का 4%, खा 6%, गा 8% या घा 10%। तो इसका सही आंसर होगा ओनली 4%। कितना? 4%, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना जो है ना, वो किस राज्य में स्थित है? ये आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, उसे याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये है स्टूडेंट, इसका सही आंसर उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 7 है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ब्राजील में जो है ना, वहां स्थानांतरित कृषि, जैसे स्थानांतरित ट्रांसफर एग्रीकल्चर, यानी कि स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? का कुनिको, खा रोका या गा दीपा या फिर घा मसोले, ठीक है। देखो, इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है रोका, रोका कहा जाता है, ठीक है, रोका। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल है, खरीफ फसल मैंने आप लोगों को कई बताया है, ठीक है। कहां आप लोगों को मैंने सीरीज चलाया था, जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाया था, उसमें कई सारे खरीफ फसल को बताया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? चना या फिर खा है धान, या गा है कपास, या घा है मक्का। तो एक बात याद रखना, इसमें से जो चना है ना, ये भी खरीफ फसल है, एंड धान ये भी खरीफ फसल है, याद रखना, दोनों खरीफ फसल है। एक ही आता है, लेकिन मैं दोनों बता दिया हूं, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो का उत्तर में तथा खा दोनों, डोंट वरी, आप ये लिख सकते हो, ठीक है, दोनों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? का उत्तराखंड, खा हिमाचल प्रदेश, गा तमिलनाडु, घा राजस्थान। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो बताइए, ठीक है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है ना, भारत का पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी हैं? तो इसमें से मैं आपको सही आंसर बता देता हूं, ठीक है। हम मैं इसको आप ऑप्शन देख लो, ठीक है, फिर मैं बता देता हूं सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो है सिलचर तथा पोरबंदर, सिलचर तथा पोरबंदर, ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। तो इतने आप लोगों को जो आपका भूगोल क्या है, भूगोल में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लर्न करने हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, लोगों को नागरिक शास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे अब हम आप लोगों को बताएंगे, नागरिक शास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका जो है ना, वो स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1980 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1948 में, ठीक है, 1948 में। प्रश्न नंबर 2, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? जो संघीय राज्य होते हैं ना, वो कितने हैं? तो आपका का ऑप्शन है 27, खा है 28, गा है 29 और घा है 13,
30, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें से सही आंसर बताना है, ठीक है। आप लोग गेस करो, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको बताना है संघीय राज्य जो है ना वो है 28, क्या है 28, याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, देखो यहां, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है। जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम है ना वो कितनी चीजों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है, कितनी चीजों पर निर्भर करता है। का ऑप्शन है 4, खा ऑप्शन है 7, गा ऑप्शन है 3 और घा ऑप्शन है 8। तो अब आपको ये बताना है कितनी चीजों पर निर्भर करता है, ये आप लोग बताओ। अगर जानते हो तो बताओ यार, अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, लेकिन अब आप लोग सुन लो इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 3, तीन चीजों पर निर्भर करता है, कितनी, तीन चीजों पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, भारत की विधायिका में पहली प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। पहली प्रतिनिधियों का अनुपात, महिला प्रतिनिधियों का अनुपात है भारत की विधायिका में, जो महिला महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। का बहुत ही कम, खा एक समान, गा बहुत अधिक, घा कोई नहीं। तो कोई नहीं तो ये हो नहीं सकता है और एक समान भी नहीं हो सकता। अब इसमें महिला प्रतिनिधि की बात की गई है तो वो आप लोग हमेशा लगाना बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था होती है वो कहां है। लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज की संस्थाएं, पंचायती राज की संस्थाएं, इनमें से सही आंसर बताना है, ठीक है। तो वो आप लोग हमेशा याद रखना, पंचायती राज की संस्थाएं करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना कब हुई थी। का ऑप्शन है 2005 में, खा ऑप्शन है 2006 में, गा ऑप्शन है 2008 में, घा ऑप्शन है 2015 में। तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो है 2008 में। कब, 2008 में, ठीक है। याद कर लो, हर एक क्वेश्चन रट लो, जुबान पे होना चाहिए ये सब क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, तो जरूर याद कर लो स्टूडेंट, आपको इसे छोड़ना नहीं है। एक दिन, दो दिन, जितना दिन लगे याद कर लो, दो बार देखो, 10 बार वीडियो को, लेकिन याद कर लो, ठीक है, मेरा यही कहना है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या 5 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है, मानवाधिकार दिवस जो है ना स्टूडेंट वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है एंड आपके सोशल साइंस से भी रिलेटेड है, ठीक है, तो याद रख लो, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दोबारा पढ़ लो, याद हो तो भी। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9, 7, 10, 8। तो इसमें से सही आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इसमें से आपका सही आंसर होगा 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं स्टूडेंट, ठीक है, 8 याद रखना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, राजनीति एक क्षेत्र है। राजनीति एक किसका क्षेत्र है, संभावनाओं का या प्रयासों का या विकल्पों का, ये सभी। आप संभावनाओं का क्षेत्र है, प्रयास कितना भी करो, आपको ये नहीं प्रयास करना है कि दिन भर आप बैठ के पढ़ो तो राजनीति में आप सफल हो जाओगे, नहीं, ये संभावनाओं का क्षेत्र है। संभावना जैसे बन जाती है तो आप जीत सकते हो या फिर हार भी सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है, संभावनाओं का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 10, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स या खा है ब्राजील या बैंकॉक या न्यूयॉर्क। तो इसके में, इसमें से आपका सही आंसर होगा वो है ब्रुसेल्स।
इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आप लोगों को इतना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में इतने ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब अर्थशास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है का हरियाणा, खा बिहार, गा आपका राजस्थान, घा मेघालय। तो अब आपको इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से गेस करो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है हरियाणा। हरियाणा का जो है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना? तो इसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से आप लोग गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। गेस जरूर किया करो क्योंकि इससे आपका एक टेस्ट हो जाता है और टेस्ट में आप कितना मार्क लाते हो वो आप लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो गेस जरूर किया करो पहले, फिर मैं आपको बता देता हूं उसका सही आंसर। तो वो है प्राथमिक। अगला, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? जो विदेशी व्यापार है वो किसके मध्य होता है? दो देशों के बीच, दो नगरों के बीच, दो प्रदेशों के बीच, दो शहरों के बीच? तो जल्दी से आप लोग गेस करो, फिर मैं बताता हूं। 5 सेकंड का टाइम है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है, जो विदेशी व्यापार होते हैं वो दो देशों के बीच होता है, ये आपको जानना चाहिए। देखो, जो विदेशी व्यापार होते हैं वो दो देशों के बीच होता है, क्योंकि जब इंडिया से कोई भी सामान जाता है या कोई दूसरे अदर कंट्री से इंडिया में आता है तो उसे कहते हैं मतलब विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेश से व्यापार करना। अगला, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है का पूंजी, खा लाभ, घा सेवाएं या घा कर? तो आप लोग गेस करो, फिर मैं बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा पूंजी। अगर पूंजी, देखो समझाता हूं थोड़ा सा, पूंजी है तो उत्पादन होगा, और उत्पादन का यह साधन क्यों है? क्योंकि आपको कुछ भी कार्य करना है तो पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको छोटा सा अगर शॉप खोलना है तो भी पूंजी की आवश्यकता होगी, कुछ भी करना है तो पूंजी की आवश्यकता होगी, आपको अगर लाना है गाड़ी तो भी पूंजी की आवश्यकता होगी। अर्थात उत्पादन करना है, कुछ भी उत्पादन करना है, सरसों गेहूं कुछ भी उत्पादन करना है तो पूंजी की आवश्यकता होती है, बिना पूंजी के कुछ नहीं होता है। तो पूंजी जो है ना एक उत्पादन का साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? औसत आय जो है स्टूडेंट किसे कहा जाता है? कुल आय को, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या ये सभी? देखो स्टूडेंट, चाहे कहो औसत आय या कहो प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक एक व्यक्तियों का आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसमें से जो औसत आय होता है ना उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? का उत्पादित सामान, खा खाद्य पदार्थ, गा आपका है, ये गा है स्टूडेंट, स्वर्ण चांद, स्वर्ण चांदी या सोना चांदी या फिर मशीन? तो अब आपको सही आंसर बता देता हूं, एगमार्क आपका खाद्य पदार्थ के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो अब आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है, इसे आपको गेस करना जरूर है। ठीक है, मैं आपके पास कुछ समय दे देता हूं, आपको गेस करना है। देखो, का है 1982, खा है 1885, गा है 1986 या घा है 1985 नहीं, बल्कि मैं कुछ दूसरा लिख देता हूं। सही है, सही, 1985, ये 1885 है ना, ये 1985 है। ठीक है, तो
तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, फिर आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है। ये आपका सही आंसर है 1986, करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखो अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं। अगर आप लोग जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, उतने अच्छे अच्छे वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और उन्हें भी कहो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10 की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी श्रवण लेक्चर चैनल पर। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोगों को चैनल को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से अच्छे से तैयारी कर सके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।